सुमित जी वृंदावन से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश जी। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव आपकी कृपा से सत्संग में सुना है कि अहंकार का को नष्ट करके सहचरी भाव की प्राप्ति होती है और वो गुरुदेव के द्वारा स्वभाव देखकर दी हुई साधन सेवा से नष्ट होता है। हे गुरुदेव कृपा करके मुझे वो सेवा प्रदान कीजिए जिसमें आपकी खुशी हो और मेरा हित हो। आज्ञा सम्न सुसाहिब सेवा। अपने गुरुदेव की आज्ञा को समझ ले तो सब काम बन जाएगा। जैसे अगर आप इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल और हरिवंश भरोसे भय निडर, नित गर्जत हरिवंश भल। नाम न छूटे और कोई गंदी बात मत करना। देखो सेवा को तो हमारे पास रहना, हमारे पैर दबाना, कपड़े धोना, एक सेवा का बाहरी अंग है। खास बात ये नहीं है, जो हमारे पास रहते हैं अगर वो ये करते हैं और भजन नहीं करें, हमारी बात ना माने, तो सेवा नहीं मानी जाएगी। आप दूर भी रह रहे हो, हमारी बात मान रहे हो, हमारे पर श्रद्धा कर रहे हो, तो आप देखना आपको दिखाई देगा कि गुरुजी आसपास हमें घेरे हैं, गुरुजी हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। हम तुम्हें सच्ची बताते हैं, गुरु आज्ञा पालन करने वाले के यहाँ गुरु बैठे रहते हैं, यहाँ कमान पकड़े हुए पूरे जीवन की बागडोर, जैसे श्री कृष्ण सारथी बने बैठे ना, गुरु यहाँ बैठे रहते। जरा हृदय डर जाते, ए होश में जरा सा कोई, जैसे कोई प्रशंसा के शब्द कहता है ना, एकदम बुरा सा लगता है कि इसको बाहर करो, एक सेकंड में बाहर करो, दोबारा हमारे सामने नहीं आना। ये मिटिया मिट कर रहा है, क्या जाने हम क्या है, हम तो नीच आदमी है। अगर हमारे गुरुदेव कृपा ना करे तो हमारी दुर्दशा हो जाए, हम तो उनकी कृपा को, ये क्या जाने, ये तो बाहर से केवल देख रहा है, हमारे गुरुदेव कृपा कर रहे हैं, उन्हीं के बल से हम चल रहे हैं, हमारा जीव ये। हम किसी के द्वारा दिए हुए सम्मान को स्वीकार न करें, अपने को सबसे नीच समझें। गुरु आज्ञा से बढ़कर विश्व में कुछ नहीं है, बात समझ लो। जिसने अपने गुरु की अवहेलना की, चाहे खोपड़ी के बल खड़े होकर साधना करे, कोई वस्तु का लाभ नहीं होगा, क्योंकि प्रधानता हो गई कर्तत्व की। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमित मन्यते, मैं करके प्राप्त करूं, नहीं हो सकता। इसमें अहंकार नहीं होता, इसमें दैन्यता होती है। हमारे गुरु की कृपा से सब साधन हो रहा है। तो जैसे विरक्त भाव में, तो फिर कहीं भूल कर किसी भी तरह से काम चेष्टा नहीं होनी चाहिए, ना अपने हाथ से ना किसी के संग से। अगर गृहस्थ में जाना है तो जब तक ब्याह ना हो तब तक कभी ऐसा कोई क्रिया न करे, और जो पत्नी मिले उसी में एक भावना करके धर्म के अनुसार चले। विरक्त में है, मार्ग ही खत्म है, हमारा सोच ही खत्म है। जो विरक्त बन करके इधर उधर की, फिर तो धोबी का कुत्ता घर न घाट का, ना संसार का रह जाता है, ना प्रभु का रह जाता है, ऐसे बीच में भटकता रहता। सेवक जी कहते हैं, ऐसे न वैसे रहे मज रहे डो, पाछिलियो जो करेंगे। सबके अंदर गलतियां होती हैं, भजन के प्रताप से, गुरुजनों की कृपा दृष्टि से धीरे धीरे गलतियों का त्याग करके हमें आगे बढ़ने का अवसर मिला हुआ है। बस कोई गलत काम मत करो, खूब नाम जप करो और आचार्य शरणागत हो, इसलिए एक बार चतुरासी जी का स्वयं पाठ करो। मान लो यहाँ बैठे हो, पाठ हो रहा ठीक है, लेकिन एक बार आप स्वयं पाठ करो एकांत के, मान लो 1.5 घंटा लगता है, जब अच्छे से पाठ गा गा कर चतुरासी जी का पाठ करो। ऐसा भोजन मत करो जो हमें काम आदि या नाना प्रकार की अन्य वासनाओं में ले जाए। खूब चलो, हर समय हमारे साथ रहोगे, देखना आपको अनुभव होगा कि हमारे गुरु जी हमारे साथ हैं। हर समय अनुभव, गुरु का प्यार जानते हो, अनंत माताओं जैसा होता है। जब आप ठीक चलोगे तो लाखों की भीड़ में आप पे दृष्टि जम जाएगी और पहचान लिया जाएगा कि हाँ आज्ञा का पालन करता है, और आपको लगेगा कि एक सेकंड देखा पर एक सेकंड में क्या मिल गया, हम तुम्हें कैसे बताएं। वो खुद लगेगा, खुद अनुभव होगा, ठीक है। बहादुर आदमी हो, इस मार्ग में जो चलता है वो बहादुर कहा जाता है। हर कष्ट सहते हुए, हर दुख सहते हुए अंदर से श्यामा जी से बात करो, किसी और से नहीं। नहीं सहा जाता उनके चरणों में रो, नहीं रहा जाता उनसे बात करो, वो सब बहुत करुणा भाई। जाके अधीन सदाई सांवरो, या ब्रज को सिरताज हमारे माई, श्यामा जी को राज, उनसे बड़ा बल। इसलिए खूब आनंदित रहो, बड़े भाग्यशाली हो, श्री जी के शरणागत हो।